हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मेडी डेज। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे ऑस्कर के ऑल अपडेट के बारे में, रेड कार्पेट के बारे में, कौन कौन सी सेलिब्रिटीज आई थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, देन बात करेंगे कौन सी पिक्चर को बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला, और देन उसके साथ साथ हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के सेकंड ट्रेलर और थर्ड ट्रेलर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले ऑस्कर में तो काफी सारी चीजें हुई थी, बट हम सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ऑस्कर में स्टैनली को एक ट्रिब्यूट दिया, बहुत ही प्यारा, इमोशनल, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो एबीसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद पर रेड कार्पेट पे सबसे पहले हमें देखे क्रिस इवांस, जिनका लुक काफी शानदार लग रहा था, और उन्होंने बीच में एक एक्टर की मदद भी करी थी, जो कि उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी हो रही है। देन सेकंड नंबर पोजीशन पर रहे हमारे केविन फाइगी, जो कि काफी स्मार्ट लग रहे हैं और देम लुकिंग, और उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया एवेंजर एंडगेम के ट्रेलर से रिलेटेड। और देन उसके बाद हमारे ब्लैक पैंथर काफी ज्यादा अलग लुक में खतरनाक, पर उन्हें शायद पता नहीं है कि वो अभी वकांडा से बाहर आ चुके हैं। पर उसके बाद हमारी कैप्टन मार्वल यानी कि रिलायंस, बहुत ही काफी कमाल का लुक था इनका, शानदार। उसके बाद हमारे नेक्स्ट एक्टर थे निक फ्यूरी। फाइनली ये लास्ट थे, मुझे उसके बाद कोई ऐसा एक्टर नहीं दिखा। छोटे मोटे थे, बाकी एक एंटमैन भी आए थे यानी कि पॉल, तो ज्यादा मतलब हम सोचते थे कि एवेंजर की पूरी कास्ट आएगी, जो हमारे पास रूमर आया था कि पूरी कास्ट ऑस्कर अवार्ड में होगी मौजूद, बट ऐसा नहीं हुआ, फेक निकला। देन उसके बाद बात करते हैं सबसे बेस्ट पिक्चर कौन सी रही। तो फाइनली ग्रीन बुक सबसे बेस्ट पिक्चर थी, आपको ये मूवी देखनी चाहिए। अगर इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है तो कुछ तो बात होगी इस मूवी पे, पॉसिबिलिटी ये रियल लाइफ की स्टोरी पे, क्राइम के ऊपर। और बेस्ट एनिमेशन फीचर मूवी है स्पाइडर वर्स। तो फाइनली सभी जानते हैं पिक्चर काफी कमाल की है, तो आपको ये भी मूवी देखनी चाहिए। अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर को तीन अवार्ड मिले। तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर ब्लैक पैंथर को पहला अवार्ड मिला ऑस्कर का, जो कि हम मार्वल फैंस और ब्लैक पैंथर फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। देन सेकंड अवार्ड मिला ब्लैक पैंथर को प्रोडक्शन डिजाइनिंग में, वाओ। और देन आप सब जानते हो कि प्रोडक्शन डिजाइनिंग, आसपास का माहौल कितना प्यारा था ब्लैक पैंथर में देखने लायक। देन बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बहुत ही काफी कमाल का, तीन अवार्ड टोटल मिले ब्लैक पैंथर की मूवी को। जी हाँ, तो सिर्फ मार्वल की दो मूवियां, एक तो स्पाइडर वर्स और ब्लैक पैंथर को ही अवार्ड मिले। देन उसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड ट्रेलर क्यों नहीं अपलोड हुआ। तो फाइनली एक रूमर था, ऑफिशियल कोई कंफर्म नहीं थी, तो इसलिए सेकंड ट्रेलर हमें देखने को नहीं मिला। पर पॉसिबिलिटी 8 मार्च को कैप्टन मार्वल रिलीज होगी, तो हमें ये ट्रेलर देखने को मिले। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से अटैच हो तो आपको पता भी होगा कि कुछ ही नेक्स्ट वीक है जिसमें कि हमें काफी कमाल का अपडेट देखने वाले हैं, जिसमें कि एवेंजर एंड गेम का भी नाम था। देन फाइनली काफी कमाल का बड़ा अपडेट, एवेंजर एंड गेम में फिल कोल्सन आ सकते हैं। अभी हाल ही में अपडेट मिला है मुझे मॉर्निंग में करीब 8 बजे, तो देन देखते हैं कि क्या होता है। देन उसके साथ साथ हमें BHS का फाइनली एक लुक नजर आया है, ये एक छोटी सी कैसेट होती है जिसपे एवेंजर एंड गेम का कवर चढ़ता है, तो काफी कमाल का है। देन उसके बाद बात करते हैं एवेंजर एंड गेम के तीसरे ट्रेलर का अपडेट, जो कि ऑफिशियल कंफर्म करा है केविन फाइगी ने इंटरव्यू के दौरान। जी हाँ, उन्होंने ऑस्कर से पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एवेंजर एंड गेम का तीसरा ट्रेलर को अनाउंस कर दिया, जो कि वो मूवी से पहले रिलीज करेंगे, यानी कि सेकंड ट्रेलर कैप्टन मार्वल के साथ और देन थर्ड ट्रेलर मूवी की रिलीज होने से पहले लॉन्च होगा, जो कि केविन फाइगी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन करा। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं अभी कैप्टन मार्वल के लिए सेकंड ट्रेलर के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपडेट कैसा लगा? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देखें तो मेरे को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंद इस वीडियो को नहीं देख या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।